Namaste and good morning, everyone. Let's do the prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Om Bhurbhuvasvaha, Tat Savitra Varenayam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सत्यम्यं तमसो मा ज्योतिर्गम्यं मृत्युर्मा अमृतं गम्यं ओम सहनावतु सहनाभुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। Let's open our Yoga Vashishtha Granth, Upsham Prakarana, Sarg number 14. Upadesh Yogye Logon Hetu Man Marjan Ke Upay. Vashishthi Bole Ke Ram Ji, Sansar Rupi Sindhu Mein Rag Dvesh Rupi Bade Kalol Uthte Hain. Kalol Kya Hote Hain? It's almost like a waves. Okay? और उसमें वे पुरुष बहते हैं जो मन को मूड जड़ रूप नहीं जानते, उनको आत्मफल नहीं प्राप्त होता। ये विचार और विवेक की वाणी मैंने तुमसे कही है जो तुम सरीखों के योग्य है। जिन मूड जनों को मन के जीतने का समर्थ नहीं है उनको ये नहीं शोभती और वे इन वचनों को नहीं ग्रहण कर सकते, उनको कहने से क्या प्रयोजन। Okay, so mood low. Lot of people, they are not interested in it. The time hasn't come yet. So why waste your time? जैसे जन्म अंत को सुंदर मंजरी का वन दिखा दो तो वह निष्फल होता है क्योंकि वह देख नहीं सकता, वैसे ही उन्हें विवेक वाणी का उपदेश करना निष्फल होता है। जो मन को जीत नहीं सकते और इंद्रिय लोलुप हैं, उनको आत्मबोध का उपदेश करना कुछ कार्य नहीं करता। जैसे कुष्ठ से गले शरीर को नाना प्रकार के सुगंध का उपचार सुखदायक नहीं होता, वैसे ही मूड को आत्म उपदेशक बोध सुखदायक नहीं होता। जिसकी इंद्रियां व्याकुल और विप्रिय हैं और जो मदिरा से उन्मत्त है, उसको धर्म के निर्णय में साक्षी करना कोई प्रमाण नहीं करता। ऐसा कुबुद्धि कौन है जो शमशान में शव की मूर्ति पाकर उससे चर्चा विचार और प्रश्न उत्तर करे। हृदय रूपनी बामी में मूक जड़ सर्पवत मन स्थिर है, उसको जो निकाल डाले वह पुरुष है और जो उसको जीत नहीं सकता उस दुर्बुद्धि को उपदेश करना व्यर्थ है। हे राम जी, मन महातुच्छ है, जो वस्तु कुछ नहीं है उसके जीतने में कठिनता नहीं। जैसे स्वप्न नगर निकट होता है और चिर पर्यंत भी स्थित है पर जानकर देखो तो कुछ नहीं, वैसे ही मन को जो विचार कर देखो तो कुछ नहीं। जिस पुरुष ने अपने मन को नहीं जीता वह दुर्बुद्धि है और अमृत को त्याग कर विषपान करता है और मर जाता है। जो ज्ञानी है वह सदा आत्मा ही देखता है, इंद्रियां अपने अपने धर्म में विचरती हैं और प्राण की स्पंदन शक्ति है और परमात्मा की ज्ञान शक्ति है, इंद्रियों की अपनी शक्ति है, फिर जीव किस से बद्ध होता है। वास्तव में सर्वशक्ति सर्वात्मा है, उससे कुछ भिन्न नहीं। ये मन क्या है जिसने सब विश्व को नीच बना रखा है। हे राम जी, मूड को देखकर मैं दया करता और तपता हूं कि ये क्यों खेद पाते हैं और वे दुखदायक कौन है जिससे वे तपते हैं। जैसे ऊंच कंटक के वृक्षों की परंपरा को प्राप्त होता है, वैसे ही मूड प्रमाद से दुखों की परंपरा पाता है और वह दुर्बुद्धि देह पाकर मर जाता है। जैसे सागर में बुदबुदे उठ उठ कर मिट जाते हैं, वैसे ही भव सागर में उत्पन्न होकर वह नष्ट हो जाता है और उसका शोक करना क्या है, वह तो तुच्छ और पशु से भी नीच है। तुम देखो कि दसों दिशाओं में पशु आदि होते हैं और मरते हैं, उनका शोक कौन करता है।
मच्छर आदि जीव नष्ट हो जाते हैं और जलचर जल में जीवों का भक्षण करते हैं, उनका विलाप कौन करता है? आकाश में पक्षी मृतक होते हैं, उनका शोक कौन करता है? इसी प्रकार अनेक जीव नष्ट होते हैं, उनके लिए विलाप कुछ नहीं होता। वैसे ही अब जो है उनका विलाप ना करना, क्योंकि कोई स्थित ना रहेगा, सब नश्वर और तुच्छ है। सबका प्रतियोगी काल है और अनेक जीवों का भोजन करता है। जू आदि को मक्षिका और मच्छर आदि खाते हैं, और मक्षिका मच्छर आदि को मेंढक खाते हैं, मेंढकों को सर्प, सर्पों को नेवला, नेवले को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ते, कुत्तों को भेड़िया, भेड़ियों को सिंह, सिंहों को सर्प और सर्प को मेघ की गर्जना नष्ट करती है। मेघ को वायु, वायु को शैल, शैल को इंद्र का वज्र और इंद्र के वज्र को विष्णु जी का सुदर्शन चक्र जीत लेता है। और विष्णु भी अवतारों को धरकर सुख दुख जरा मरण से युक्त होते हैं। इसी प्रकार निरंतर भूत जाति को काल जीर्ण करता है। परस्पर जीव जीव को खाते हैं और निरंतर नाना प्रकार के भूत जात दसों दिशाओं में उत्पन्न होते हैं। जैसे जल में मत्स्य, कच्छ, पृथ्वी में कीट आदि, अंतरिक्ष में पक्षी, वन वीथी में सिंह आदि, मृग स्थावर में पिपलिका, दुर्धर कीट आदि, विष्ठा में कृमि और नाना प्रकार के जीव का इसी प्रकार निरंतर उत्पन्न होते और मिट जाते हैं। कोई हर्षवान होता है, कोई शोकवान होता है, कोई रुदन करता है और कोई सुख या दुख मानता है। पापी पापों के दुख से निरंतर मरते हैं और सृष्टि में उद्भव और नाश पाते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते उत्पन्न होते हैं, वैसे ही कितने भूत उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, उनकी कुछ गिनती नहीं। जो बोधवान पुरुष हैं, वे अपने आप से आप पर दया करके आपको भविंदु से पार करते हैं। हे राम जी, और जितने जीव हैं वे पशुवत हैं, मूढ़ों और पशुओं में कुछ भेद नहीं, उनको हमारी कथा का उपदेश नहीं। वे पशु धर्मा इस वाणी के योग्य नहीं, देखने भर को मनुष्य हैं, परंतु मनुष्य का अर्थ उनसे कुछ सिद्ध नहीं होता। जैसे उजाड़ वन में ठूंठ वृक्ष छाया और फल से रहित किसी को विश्रामदायक नहीं होते, वैसे ही मूढ़ जीवों से कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे गले में रस्सी डालकर पशु को जहां खींचते हैं वहीं ले जाते हैं, वैसे ही जहां चित्त खींचता है वे वहीं चले जाते हैं। मूर्ख जीव पशुवत विषय रूपी कीचड़ में फंसे हैं और उससे बड़ी आपदा को प्राप्त होते हैं। उन मूढ़ों को आपदा में देखकर पत्थर भी रुदन करते हैं। जिन मूर्खों ने अपने चित्त को नहीं जीता, उनको दुखों के समूह प्राप्त होते हैं, और जिन्होंने चित्त को बंधन से निकाला है वे संपदावान हैं, उनके सब दुख मिट जाते हैं और वे संसार चक्र में फिर नहीं पड़ते। इससे अपने चित्त के जीते बिना दुख नष्ट नहीं होते। जो चित्त जीतने से परम सुख ना प्राप्त होता, तो बुद्धिमान इसमें ना परवर्तते, पर बुद्धिमान इसके जीतने में परवर्तते हैं। इससे जानो कि चित्त भी वश होता है और मन रूपी भ्रम के नष्ट होने पर आत्म सुख प्राप्त होता है। हे राम जी, मन भी कुछ है नहीं, मिथ्या भ्रम से कल्पित है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वेताल बुद्धि होती है और उससे वह भयभीत होता है, वैसे ही भ्रम रूप मन से जीव नष्ट होते हैं। जब तक आत्म सत्ता का विस्मरण है, तब तक मूढ़ता है और हृदय में मन रूप व्याल विराजता है। जब अपना विवेक रूपी गरुड़ उदित हो, तब वे नष्ट हो जाते हैं। अब तुम जगे हो और जैसे को तैसा जानते हो। हे शत्रु नाशक राम जी, अपने ही संकल्प से चित्त बढ़ता है, इसलिए उस संकल्प का शीघ्र त्याग करो, तब चित्त शांत होगा। जो तुम दृश्य का आश्रय लोगे तो बंधन होगा, और अहंकार आदि दृश्य का त्याग करोगे तो मोक्ष को प्राप्त करोगे। ये गुणों का संबंध मैंने तुमसे कहा है। ये दृश्य का आश्रय लेना बंधन है और इससे रहित होना मोक्ष है। आगे जैसी इच्छा हो वैसा करो। इस प्रकार ध्यान करो कि ना मैं हूं और ना ये विश्व है, मैं केवल अचल रूप हूं। ऐसे निसंकल्प होने से अनंत चिद आकाश हृदय में आ प्रकाशित है। आत्मा और विश्व में जो विभाग कल्पना उदित हुई है, वही मल है।
इस द्वैत भाव का त्याग करने पर जो शेष रहेगा उसमें स्थित हो। आत्मा और विश्व में अंतर क्या है? दृष्टा और दृश्य के अंतर जो दर्शन और अनुभव सकता है, सर्वदा उसी की भावना करो और स्वाद और अस्वाद लेने वाले का त्याग कर उनके मध्य जो स्वाद रूप है उसमें स्थिर हो। वही आत्म तत्व है, उसमें तन्मय हो जा। अनुभव जो दृष्टा और दृश्य है उसके मध्य में जो निरालंब साक्षी रूप आत्मा है उसी में स्थित हो जा। हे राम जी, विश्व भाव अभाव रूप है, उसकी भावना का त्याग करो और भाव रूप आत्मा की भावना करो, वही अपना स्वरूप है। प्रपंच दृश्य को त्यागने से जो पदार्थ अपना स्वरूप है वही रहेगा जो परमानंद स्वरूप है। चित्त भाव को प्राप्त होना अनंत दुख है और चित्त रूपी संकल्प ही बंधन है। उस बंधन को अपने स्वरूप के ज्ञान युक्त बल से काटो तब मुक्ति होगी। जब आत्मा को त्याग कर विश्व में जीव गिरता है तब नाना प्रकार संकल्प विकल्प दुखों में प्राप्त होता है। जब तुम आत्मा को भिन्न जानोगे तब मन दुख के समूह संयुक्त प्रकट होगा और व्यतिरेक भावना त्यागने से सब मन के दुख नष्ट हो जाते। ये सर्वात्मा है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। जब ये ज्ञान उदित हो तब चैत्य चित्त और चेतना तीनों का अभाव होगा। मैं आत्मा नहीं जीव हूं, इसी कल्पना का नाम चित्त है। इससे अनेक दुख प्राप्त होते हैं। जब ये निश्चय हुआ कि मैं आत्मा हूं जीव नहीं, वह सत्य है, कुछ भिन्न नहीं, इसी का नाम चित्त उपशमन है। जब ये निश्चय हुआ कि सब आत्म तत्व है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं, तब चित्त अवश्य शांत हो जाता है। इस प्रकार आत्म बोध करके मन नष्ट हो जाता है, जैसे भानु उदय होने पर तम नष्ट हो जाता है। मन सब शरीरों के भीतर स्थिर है, जब तक रहता है तब तक जीव को बड़ा भय होता है। ये जो परमार्थ योग मैंने तुमसे कहा है इससे मन को काट डालो। जब मन का त्याग करोगे तब भय भी ना रहेगा, ये चित्त भ्रम मात्र उदित है। चित्त रूपी वैताल का सम्यक ज्ञान रूपी मन से अभाव हो जाता है। हे बलवानों में श्रेष्ठ निष्पाप राम जी, जब तुम्हारे हृदय रूपी गृह में से चित्त रूपी वैताल निकल जाएगा तब तुम दुखों से रहित और स्थित होगे और फिर तुम्हें भय उद्वेग कुछ न व्यापेगा। अब तुम मेरे वचनों से वैरागी हुए हो और तुमने मन को जीता है। इस विचार विवेक से चित्त नष्ट और शांत हो जाता है और निर्दुख आत्म पद प्राप्त होता है। सब कामना का त्याग करके शांत रूप स्थित हो। नेक्स्ट सर्ग, आत्मा को बंधन में करने वाली तृष्णा का वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार तुम देखो कि चित्त आप विचित्र रूप है और संसार रूपी बीज का कण है। जीव रूपी पक्षी के बंधन का जाल संसार है। जब चित्त संवित आत्म सत्ता को त्यागता है तब दृश्य भाव को प्राप्त होता है और जब चित्त उत्पन्न होता है तब कलना रूप मल धारण करता है। दिस कलना वर्ड केम इन अवर लास्ट रीडिंग आल्सो एंड वी वर वंडरिंग व्हाट डज इट रियली मीन कलना। सो डिफरेंट प्लेसेस कलना हैज अ डिफरेंट मीनिंग। सो कलना मीन्स ज्ञान आल्सो। मीनिंग ऑफ कलना इज वेरी सुंदर रचना, समथिंग वेरी ब्यूटिफुल यू हैव क्रिएटेड। कलना आल्सो मीन ग्रहण करने या धारण करने की क्रिया या भाव, उसको भी कलना कहते हैं। सो यू हैव टू सी इन विच सेंटेंस और वे डज इट रियली अप्लाई विच मीनिंग। सो तब कलना रूप मल धारण करता है, वह चित्त बढ़ने पर मोह उपजता है। मोह संसार का कारण होता है और तृष्णा रूपी विष की बेल प्रफुल्लित होती है, उससे मूर्छित हो जाता है और आत्म पद की ओर सावधान नहीं होता। जैसे जैसे तृष्णा का उदय होता है वैसे वैसे मोह को बढ़ाती है। तृष्णा रूपनी श्याम रात्रि अनंत अंधकार को देती है, परमार्थ सत्ता को ढक लेती है और प्रलय काल की अग्नि वह जलाती है और उसको कोई संहार नहीं करता, वह सबको व्याकुल करती है।
कृष्णा रूप ने तीक्ष्ण खड़क की धार देखने भर को कोमल शीतल और सुंदर है, पर स्पर्श करने से नाश कर डालती है और अनेक संकट देती है। जो बड़े असाध्य दुख हैं, जिनकी प्राप्ति पापों से होती है, वे तृष्णा रूपी फूल के पालक। कृष्णा, कृष्णा मीन्स दिस वेरी क्लिंगिंग डिजायर। कृष्णा कृष्णा रूपनी कुटिया चित रूपी गृह में सदा रहती है, क्षण में बड़े उल्लास को प्राप्त होती है और क्षण में शून्य रूप हो जाती है और बड़े ऐश्वर्य से युक्त है। जब मनुष्य को तृष्णा उत्पन्न होती है तो वह दीन हो जाता है, जो देखने में निर्धन कृपण भासता है पर हृदय में तृष्णा से रहित है वह बड़ा ऐश्वर्यवान। जिसके हृदय छिद्र में तृष्णा रूपनी सर्पनी नहीं बैठी, उसके प्राण और शरीर स्थित हैं और उसका हृदय शांत रूप होता है। निश्चय जानो कि जहां तृष्णा रूपनी काली रात्रि का अभाव होता है वहां पुण्य पड़ते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्र पड़ता है। हे राम जी, जिस मनुष्य रूपी वृक्ष का तृष्णा रूपी घुन ने भोजन किया है उसकी पुण्य रूप में हरियाली नहीं रहती और वह प्रफुल्लित नहीं होता। तृष्णा रूपनी नदी में अनंत कलोल अवर्त उठते हैं और तृष्णावत बहते हैं। जीवन रूपनी खेलने की पुतली है और तृष्णा रूपी यंत्री को भरमाती है और सब शरीरों के भीतर तृष्णा रूपी तागा है, उससे वे पिरोए हैं और तृष्णा से मोहित हुए कष्ट पाते हैं पर समझते नहीं। जैसे हरे तृण से ढके हुए गर्त को देखकर मृग शावक चरने जाता है और गर्त में गिर पड़ता है। So several analogies he is giving us so that we can understand how strong and how harmful Krishna is. हे राम जी, ऐसे और कोई मनुष्य के कलेजे को नहीं काट सकता जैसे तृष्णा रूपनी डाकिनी इसका उत्साह और बल रूपी कलेजा निकाल लेती है। डाकिनी, दैट इज लाइक अ पिच, which is something which can really grab you. और उससे वह दीन हो जाता है। तृष्णा रूपी अमंगल इन जीवों के हृदय में स्थित होकर निष्ठा को प्राप्त कराता है। तृष्णा करके विष्णु भगवान इंद्र के हेतु से अल्प वपु धार कर बलि के द्वार के, और जैसे सूर्य नीति को धरकर आकाश में भ्रमता है वैसे ही तृष्णा रूपी धागे से बांधे जीव भ्रमते हैं। कृष्णा रूपनी सर्पनी महाविश्व से पूर्ण होती है और सब जीवों को दुखता है, इससे इसको दूर से त्यागो। पवन तृष्णा से चलता है, पर्वत तृष्णा से स्थित है, पृथ्वी तृष्णा से संसार को धरती है और तृष्णा से ही त्रिलोक वेष्टित है। सब लोग तृष्णा से बांधे हुए हैं, रस्सी से बांधा हुआ छूटता है परंतु तृष्णा से बंधा नहीं छूटता। तृष्णावान कदापि मुक्त नहीं होता, तृष्णा से रहित मुक्त होता है। इस कारण हे राघव, तुम तृष्णा का त्याग करो, सब संसार मन के संकल्प में है, उस संकल्प से रहित हो। मन भी कुछ और वस्तु नहीं है, युक्ति से निर्णय करके देखो कि संकल्प प्रमाद का नाम मन है। जब इसका नाश हो तब सब तृष्णा नष्ट हो। अहम त्वम इदम आदि का चिंतन मत करो। ये महा मोह में दृष्टि है, इसको त्याग करके एक अद्वैत आत्मा की भावना करो। अनात्मा में जो आत्म भाव है वह दुखों का कारण है, इसके त्यागने से ज्ञानवानों में गण्य होंगे। अहम भाव रूप ने अपवित्र भावना है, उसको अपने स्वरूप शलाखा की भावना से काट डालो। ये भावना पंचम भूमिका है, इसमें संसार का अभाव है। नेक्स्ट सर्ग, तृष्णा के दोष, जीवन मुक्त और विदेहों के लक्षण। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, ये आपके वचन गंभीर और अतुल्य हैं। आप कहते हैं कि अहंकार और तृष्णा मत करो, जो अहंकार त्यागे तो चेष्टा कैसे होगी, तब तो देह का भी त्याग हो जाएगा। जैसे वृक्ष स्तंभ के आश्रय होते हैं, स्तंभ के नाच से वृक्ष नहीं रहते, वैसे ही देह अहंकार धारण कर रही है, उससे रहित देह गिर जाएगी। इससे मैं अहंकार को त्याग करके कैसे जीवित रहूंगा,
ये अर्थ मुझको निश्चय करके कहिए, क्योंकि आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे कमल नयन राम जी, सर्व ज्ञानी जनों ने वासना का त्याग किया है, वह दो प्रकार का है। एक का नाम ध्येय त्याग है और दूसरे का नाम नेय त्याग है। मैं ये पदार्थ रूप हूं, इससे जीता हूं, इसके बिना मैं नहीं जीता, और मेरे सिवाय ये कुछ भी नहीं। ये जो हृदय में निश्चय है, इसको त्याग कर मैंने विचार किया है कि ना मैं पदार्थ हूं और ना मेरे पदार्थ हैं। ऐसी भावना करने वाले जो पुरुष हैं, उनका अंतःकरण आत्म प्रकाश से शीतल हो जाता है, और वे जो कुछ क्रिया करते हैं वह लीला मात्र है। जिस पुरुष ने निश्चय करके वासना का त्याग किया है, वह सर्व क्रियाओं में सर्वात्मा जानता है। उसको कुछ बंधन का कारण नहीं होता। उसके हृदय में सर्व वासना का त्याग है और बाहर इंद्रियों से चेष्टा करता है। जो पुरुष जीवन मुक्त कहाता है, उसने जो वासना का त्याग किया है, उस वासना के त्याग का नाम ध्येय त्याग है। और जिस पुरुष ने मन संयुक्त देह वासना का त्याग किया है, उस वासना का भी त्याग किया है, वह नेय त्याग है। नेय वासना के त्याग से विदेह मुक्त खाता है। सी, वन इज ए जीवन मुक्त, द अदर वन इज विदेह मुक्त। जिस पुरुष ने देह अभिमान का त्याग किया है, विषयों की वासना लीला से त्याग की है, और स्वरूप में स्थित होकर क्रिया भी करता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी सब वासनाएं नष्ट हुई हैं और जो भीतर बाहर की चेष्टा से रहित हुआ है, हृदय के संकल्प और बाहर की क्रिया का त्यागी है, उसका नाम त्याग है, वह विदेह मुक्त जाना। जिसने ध्येय वासना का त्याग किया है और लीला करके करता हुआ स्थित है, वह जीवन मुक्त महात्मा पुरुष जनकवत है। जिसने नेय वासना त्यागी है और उपशम रूप हो गया है, वह विदेह मुक्त होकर परम तत्व में स्थित। सो विदेह मुक्त इज ए हायर लेवल देन जीवन मुक्त। परात पर जिसको कहते हैं वही होता है। हे राघव, इन दोनों वासनाओं को त्याग कर ये ब्रह्म में हो जाता है। वे विगत संताप उत्तम पुरुष दोनों मुक्त स्वरूप हैं और निर्मल पद में स्थित होते हैं। एक की देह सुफुरन होती है और दूसरे की असफुर होती है। वह विदेह मुक्त रूप देह में स्थित होता है और क्रिया करता संताप से रहित जीवन मुक्त ज्ञान को धरता है, और फिर दूसरी देह त्याग कर विदेह पद में स्थित होता है। उसके साथ वासना और देह दोनों नहीं भासते हैं, इससे विदेह मुक्त कहलाता है। सो नीदर द बॉडी नॉर द वासना इन द विदेह मुक्त। जीवन मुक्त के हृदय में वासना का त्याग है और बाहर क्रिया करता है। जैसे समय से सुख दुख प्राप्त होता है, वैसे ही वह निरंतर राग द्वेष से रहित प्रवर्तता है और सुख में हर्ष दुख में शोक नहीं करता, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिस पुरुष ने संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थों की इच्छा त्यागी है, वह सब कार्य में सुषुप्ति की भांति अचल वृत्ति है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। हे उपाधि मैं और मेरा आदि सब कलना जिसके हृदय से क्षीण हो गई है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी वृत्ति संपूर्ण पदार्थों से सुषुप्ति की भांति हो गई है, जिसका चित्त सदा जागृत है और जो कलना क्रिया से युक्त भी दृष्टि गोचर है, परंतु हृदय से आकाशवत निर्मल है, वह जीवन मुक्त पूजने योग्य है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब वशिष्ठ ने कहा, तब सूर्य भगवान अस्त हुए। सभी सदा सद स्नान करने परस्पर नमस्कार करके उठे और निशा बिताकर सूर्य निकलते ही परस्पर नमस्कार करके यथा योग्य अपने अपने आसन पर आ बैठे। जीवन मुक्त पुरुष को बंधन मुक्त रखने वाले निश्चय है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष विदेह मुक्त है, वह हमारी वाणी का विषय नहीं। सो दैट मीन्स वी कैंट इवन टॉक अबाउट इट, वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। इससे तुम जीवन मुक्त का ही लक्ष्य सुनो।
सो जीवन मुक्त वी कैन टॉक अबाउट इट, ही सेज, विदेह मुक्त वी कैंट। जो कुछ प्रकृति कर्म है उसको जो करता है, परंतु तृष्णा और अहंकार से रहित है, वो निरहंकार होकर विचरता है, जय वह जीवन मुक्त है। सो नो ईगो, नो डिजायर्स, नो क्लिंगिंगनेस। दृश्य पदार्थों में जिसकी दृढ़ भावना है वह तृष्णा से सदा दुखी रहता है और जगत के दृढ़ बंधन से बद्ध कहाता है। और जिसने निश्चय करके हृदय से संकल्प का त्याग किया है और बाहर से सब व्यवहार करता है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहाता है। सो फ्रॉम आउटसाइड ही इज डूइंग ऑल हिज एक्टिविटीज, ऑल दी कर्म, बट अंदर से कंप्लीटली फ्री, ऐसे जीवन मुक्त। सो जीता है पर मुक्त है। जो बाहर जगत में बड़े आरंभ करता है और इच्छा संयुक्त दृष्टि गोचर है, पर हृदय में सब अर्थों की वासना और तृष्णा से रहित है, वह मुक्त कहलाता है। सो बाहर से आरंभ करता मीन्स ऑल द एक्शंस, स्टार्ट्स डिफरेंट थिंग्स टू डू, व्हाट एवर नीड्स टू बी डन, बट अंदर से तृष्णा रहित, वासना रहित। जिस पुरुष की भोगों की तृष्णा मिट गई है और वर्तमान में निरंतर विचरता है, वह निर्दुख निष्कलंक कहलाता है। हे महाबुद्धिमान, जिसके हृदय में इदम अहंकार निश्चय है और जो उसको धार कर जगत की भावना करता है, उसको तृष्णा रूपनी जंजीर ने बंधा और कलना से कलंकित जान। इससे तुम, मैं और मेरा सत्य और असत्य बुद्धि संसार के पदार्थों का त्याग करो और जो परम उदार पद है सर्वदा उसमें स्थित हो जाओ। बंध मुक्त सत्य असत्य की कल्पना को त्याग कर समुद्रवत अक्षोभ चित स्थित हो। ना तुम पदार्थ जाल हो, ना ये तुम्हारे हैं, असत्य रूप जानकर इनका विकल्प त्याग। सो डिटैच, डिटैच। ये जगत भ्रांति मात्र है और उसकी तृष्णा भी भ्रांति मात्र है। इनसे रहित आकाश की भांति सन मात्र तुम सत्य स्वरूप हो और तृष्णा मिथ्या रूप है तुम्हारा, और इसका क्या संग। हे राम जी, जीव को चार प्रकार का निश्चय होता है और वह बड़े आकार को प्राप्त होता है। आपाद मस्तक शरीर में आत्म बुद्धि होना और माता पिता से उत्पन्न हुआ जानना, ये निश्चय बंधन रूप है और असम्यक दर्शन से होता है। ये प्रथम निश्चय है। द्वितीय निश्चय ये है कि मैं सब भावों और पदार्थों से अतीत हूं। बाल के अगर भाव से भी सूक्ष्म हूं और साक्षी भूत सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, ये निश्चय शांति रूप मोक्ष का दायक है। जो कुछ जग जंजाल है वह सब पदार्थों से, पदार्थों में मैं ही हूं और आत्मा रूप में अविनाशी हूं, यह तीसरा निश्चय है, ये भी मोक्ष दायक है। चौथा निश्चय ये है कि मैं असत्य हूं और जगत भी असत्य है, इनसे रहित आकाश की तरह सन मात्र है, ये भी मोक्ष का कारण है। हे राम जी, ये चार प्रकार के निश्चय जो मैंने तुमसे कहे हैं, उनमें से प्रथम निश्चय बंधन का कारण है, शेष तीनों मोक्ष के कारण है और वे शुद्ध भावना से होते हैं। सो प्रथम कारण क्या था? आपाद मस्तक शरीर में, आपाद मीन्स पैरों से लेकर सिर तक, आत्म बुद्धि होना कि ये मैं हूं, और माता पिता से उत्पन्न हुआ जानना, और निश्चय बंधन रूप है और असम्यक दर्शन से होता। Yes, so that means understanding that I am the body. I was born. So, बंधन इसी से है ना, इस शरीर से एंड रिश्तों से बंधन। ये प्रथम निश्चय है। So that's why he says, ये चार प्रकार के निश्चय हैं जो मैंने तुमसे कहे हैं, उनमें से प्रथम निश्चय बंधन का कारण है, शेष तीनों मोक्ष के कारण, और वे शुद्ध भावना से होते हैं। ओके, सो निश्चय मीन्स योर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है? बुद्धि से।
बुद्धि में ज्ञान कहाँ से आता है? शास्त्रों से। सो जो प्रथम निश्चयवान है, प्रतृष्णा रूप सुगंध से जगत में भ्रमता है, और शेष तीन भावनाएं शुद्ध जीवन मुक्त विहारी पुरुष की हैं। जिसको ये निश्चय है कि सर्व जगत में आत्म स्वरूप हो, उसको तृष्णा और राग द्वेष फिर दुख नहीं देते। अधा उधर्व मध्य में आत्मा ही व्याप्त है और सब मैं ही हूं, मुझसे कुछ भिन्न नहीं है। जिसके हृदय में ये निश्चय है, वह जगत के पदार्थों में बाध्य नहीं होता। शून्य प्रकृति माया ब्रह्मा शिव पुरुष ईश्वर सब जिसके नाम है, वह विज्ञान रूप एक आत्मा है। सर्वदा एक अद्वैत आत्मा मैं हूं, द्वैत ब्रह्म चित्त में नहीं है और सदा विद्यमान सत्ता व्यापक रूप हूं। आदि ब्रह्मा से त्रिन पर्यंत जो कुछ जगजंजाल है, वह सब आत्म तत्व भर रहा है। जैसे समुद्र में तरंगे और बुदबुदे सब जल रूप हैं, वैसे ही सब जगजंजाल आत्म रूप ही है। के आत्मा द सोल एवरीवेयर नथिंग एल्स। सत्य स्वरूप आत्मा से द्वैत कुछ वस्तु नहीं है। जैसे बुदबुदे और तरंगे कुछ समुद्र से भिन्न नहीं है और भूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं होते, वैसे ही आत्म सत्ता से कोई पदार्थ भिन्न नहीं। द्वैत और अद्वैत जो जगत रचना में भेद है, वह परमात्मा पुरुष की स्फुरन शक्ति है और वही द्वैत और अद्वैत रूप होकर भासती है। ये अपना है, वह पराया है, ये भेद जो सर्वदा सब में रहता है और पदार्थों के उत्पन्न होने और मिटने से सुख दुख पासता है, उसको मत ग्रहण करो। भाव रूप अद्वैत आत्म सत्ता का आश्रय पकड़ो और भ्रम द्वैत का त्याग करके अद्वैत पूर्ण सत्ता हो जाओ। जगत के जो कुछ भेद भासते हैं, उनको मत ग्रहण करो। इस भूमिका की भावना जो भेद रूप है, वह दुखदायी जानो। जैसे अंधा हाथी नदी में गिरता है और फिर उछलता है, वैसे ही तुम पदार्थों में मत गिरा। तुम पूर्ण स्वरूप हो, महात्मा पुरुष के राग द्वेष कुछ नहीं होते। सर्वगत आत्मा एक अद्वैत निरंतर उदय रूप और सर्वव्यापक है, एक और द्वैत से रहित भी है। सर्व रूप भी वही है और निष्किंचन रूप भी वही है। ना मैं हूं ना ये जगत है, सब अविद्या रूप है। ऐसे चिंतन करो और सबका त्याग करो, अथवा ऐसे विचारों के ज्ञान स्वरूप सत्य असत्य सब मैं ही। तुम्हारा स्वरूप सबका प्रकाशक अजर अमर निर्विकार निष्क्रिय निराकार और परम अमृत रूप है, और निष्कलंक जीव शक्ति का जीवन रूप और सर्व कलना से रहित कारण का कारण, निरंतर उद्वेग रहित ईश्वर विस्तृत रूप है और अनुभव स्वरूप सबका बीज है। सबका अपना आप आत्म पद उचित स्वरूप ब्रह्म मैं और मेरा भाव से रहित है। इससे अहम और इदम कलना का त्याग करके अपने हृदय में ये निश्चय धारो और यथा प्राप्त क्रिया करो। तुम तो अहंकार से रहित शांत रूप हो। महापुरुषों के स्वभाव का वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिनका हृदय मुक्त स्वरूप है, उन महापुरुषों का ये स्वभाव है कि असम्यक दृष्टि और देह अभिमान से नहीं रहते, पर लीला से लौकिक कार्यों में विचरते हैं और जीवन मुक्त शांत स्वरूप है। That means they do their duties. From outside it seems like they are very busy, but inside they are शांत स्वरूप। संसार की गति आदि अंत मध्य में विरस और नाश रूप हैं, इससे वे शांत रूप हैं और सब प्रकार अपना कार्य करते हैं। सब वृत्तियों में स्थित होकर उन्होंने हृदय से ध्येय वासना त्यागी है, निरालंब तत्व का आश्रय लिया है और सब में उद्वेग से रहित सब अर्थ में संतुष्ट रूप हैं। उद्वेग क्या होता है? एजिटेशन। सो नो एजिटेशन एट ऑल, उद्वेग रहित। विवेक रूपी वन में सदा विचरते हैं, बोध रूपी उपवन में स्थित हैं और सर्वतीत पद का अवलंबन किया है। उनका अंतःकरण पूर्णमासी के चंद्रवत शीतल हुआ है। संसार के पदार्थों से भी कदापि उद्वेगवान नहीं होते और उद्वेग और असंतोष दोनों से रहित है। ओके, सो अत संतोष। सो संतोष मीन्स कंटेंटमेंट, सो दे आर टोटली कंटेंट, असंतोष से रहित है।
वे संसार में कदाचित दुखी नहीं होते, वे चाहे शत्रुओं के मध्य में हों, पर युद्ध करें अथवा दया व बड़े भयानक कर्म करते दिखाई दें, तो भी वे जीवन मुक्त हैं। संसार में वे ना दुखी होते हैं, ना किसी पदार्थ में आनंद प्राप्त होते हैं, ना किसी में कष्ट पाते हैं, ना किसी पदार्थ की इच्छा करते हैं, ना शोक करते हैं, मौन में स्थित यथा प्राप्य कार्य करते हैं और संसार में दुख से रहित सुखी होते हैं। जो कोई पूछता है तो वे यथाक्रम जैसे का तैसा कहते हैं, और पूछे बिना मूक जड़ वृक्षवत बने रहते हैं। वे इच्छा अनिच्छा से मुक्त संसार में दुखी नहीं होते और सबसे हित करके और कोमल उचित वाणी से बोलते हैं। वे यज्ञ आदि कर्म भी करते हैं परंतु संसारिक कार्यों में नहीं डूबते। हे राम जी, जीवन मुक्त पुरुष युक्त अयुक्त नाना प्रकार के उपदेशा संयुक्त संसार की वृत्ति को हाथ में बिल्व फलवत जानता है, परंतु परम पद में अरूढ़ होकर संसार की गति देखता रहता है और अपना अंतःकरण शीतल और जीवों को तप्त देखता है। वैसे रूप में कुछ द्वैत नहीं देखता है, परंतु व्यवहार की अपेक्षा से उसकी महिमा। हे राघव, जिन्होंने चित्त जीता है और परमात्मा को देखा है, उन महात्मा पुरुषों की स्वभाव वृत्ति मैंने तुमसे कही है, और जो मूढ़ हैं और जिन्होंने अपना चित्त नहीं जीता और भोग रूपी पंख में मगन हैं, ऐसे गधर्मों के लक्षण हमसे नहीं कहते बनते हैं। उनको उन्मत्त जानो। उन्मत्त इस प्रकार होते हैं कि महानरक की ज्वाला स्त्री है और वे उस उष्ण नरक अग्नि के ईंधन हैं, उसी में जलते हैं और नाना प्रकार के अर्थों के निमित्त अनर्थ उत्पन्न करते हैं। भोगों के अनर्थ रूप दैन्य से उनके चित्त हत हुए हैं और वे संसार के आरंभ से दुखी होते हैं। नाना प्रकार के कर्म जो वे करते हैं उनके फल हृदय में धारते हैं, उन कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। ऐसे जो लोग लंपट हैं उनके लक्षण हम नहीं कह सकते। हे राम जी, जो ज्ञानवान पुरुषों की दृष्टि पहले के ही है, उसी का तुम आश्रय लो। So what he says that why talk about the negative? Keep on thinking about the positive. ज्ञानवान पुरुष, हृदय से ध्येय वासना को त्यागो और जीवन मुक्त हो संसार में विचरो। हृदय की संपूर्ण इच्छाएं त्याग कर वीतराग और निरीह रहो। बाहर सब आचार करते हुए लोगों के बीच विचरो और सर्व दिशा और अवस्था को भली प्रकार विचार कर उसमें जो तुच्छ पद है उसका आश्रय ग्रहण करो, पर भीतर सब पदार्थों से निरस और बाहर इच्छा के सम्मुख हो। भीतर शीतल रहो और बाहर तप्त हो। बाहर से सब कार्यों का आरंभ करो और हृदय से सब आरंभ त्यागे रहो। हे राम जी, अब तुम ज्ञानवान हुए हो और सब पदार्थों की भावना का तुम्हें अभाव हुआ है। जैसे इच्छा हो वैसे विचरो। जब इंद्रियों का इष्ट पदार्थ हो जाए तब कृत्रिम हर्षवान होना और दुख अप्राप्त हो तब कृत्रिम शोक करना, क्रिया का आरंभ करना और हृदय में सारभूत रहना, अर्थात बाहर क्रिया करो पर भीतर अहंकार से रहित आकाश वाते निर्मल रहो। कार्य कलना से रहित होकर भूतल पर विचरो और आशा रूप निवान से मुक्त होकर इष्ट अनिष्ट से हृदय में राम रहो, असम रहो और बाहर कार्य करते हुए लोगों में विचरण। इस चेतन पुरुष को वास्तव में ना बंधन है ना मोक्ष है। मिथ्या इंद्र जालवत बंधन मोक्ष संसार का बरतना है। सब संसार भ्रांति मात्र है, पर प्रमाद से संसार भासता है। जैसे चंड आतप से मरुस्थल में जल भासता है, वैसे ही अज्ञान से संसार भासता है। आत्मा अबंध और सर्वव्यापक रूप है, उसे बंध कैसे हो, और जो बंद नहीं तो मुक्त कैसे हैं। आत्म तत्व के ज्ञान से संसार भासता है और तत्व ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सांप भासता है, रस्सी के जानने से सांप गायब हो जाता है। हे राम जी, तुम जो ज्ञानवान हुए हो और अपनी सूक्ष्म बुद्धि से निरहंकार हुए हो, अब आकाश की भांति निर्मल स्थित हो रहो। जो तुम असत्य रूप हो तो संपूर्ण मित्र भ्राता भी वैसे ही हैं, उनकी ममता का त्याग करो, क्योंकि जो आप ही कुछ ना हुआ तो भावना किसकी करोगे। और जो तुम सत्य रूप हो
तो अत्यंत सत्य आत्मा की भावना करके दृश्य संसार की कल्पना से व्यतीत हो। ये जो अहम मम भोग वासना संसार में है वह प्रमाद से भासती है, और अहम मम और बांधवों का शुभ कर्म आदि जो जग जंजाल भासता है इससे आत्मा का तो संयोग नहीं। तुम क्यों शोकित होते हो? तुम आत्म तत्व की भावना करो, तुम्हारा संबंध किसी से नहीं, ये प्रपंच ब्रह्म मात्र है जो निरंकार अजन्मा पुरुष हो उसको पुत्र बांधव दुख सुख का क्रम कैसे हो? तुम स्वतः अजन्मा निराकार निर्विकार हो, तुम्हारा संबंध किसी से नहीं, तुम इनका शोक क्यों करते हो? शोक का स्थान वह होता है जो नश्वर रूप हो, पर ना कोई जन्मता है ना मरता है, जो जन्म मरण भी मानो ही तो आत्मा उसको सत्ता देने वाला है जो इस शरीर के पहले और पीछे भी होगा। पहले जो तुम्हारे बड़े बुद्धिमान सात्विकी और गुणवान अनेक बांधव विगत हुए हैं उनका शोक क्यों नहीं करते? जैसे वे थे वैसे ही तो ये भी हैं, जो प्रथम थे वे अब भी हैं। तुम शांत रूप हो, उससे मोह को क्यों प्राप्त होते हो? जो सत्य स्वरूप है उसका ना कोई शत्रु है और ना वह कभी नष्ट होता है। जो तुम ऐसा मानते हो कि मैं अब हूं भविष्य में ना रहूंगा तो भी शोक करना बेकार है। तुम्हारा संशय तो नष्ट हुआ है, तुम अपनी प्रकृति में हर्ष शोक से रहित हो कर विचरो और संसारिक सुख दुख में संभाव रहो। परमात्मा व्यापक रूप सर्वत्र स्थित है, उससे कुछ भिन्न नहीं। तुम आनंद आत्मा आकाशवत स्वच्छ विस्तृत और नित्य शुद्ध प्रकाश रूप है। संसारिक पदार्थों के लिए क्यों शरीर सुखाते हो? सभी पदार्थों में एक आत्मा व्यापक है। जैसे मोती की माला में एक धागा व्यापक होता है, वैसे ही आत्मा अनुसंयुक्त है। ज्ञानवानों को सदा ऐसे ही भासता है और अज्ञानियों को ऐसे नहीं भासता, वह प्रमाद से सारभूत हो गया है। तुम तो ज्ञानी और शांत बुद्धि हो, दृश्य भ्रम मात्र संसार का क्या रूप है? ब्रह्म और सोगुण मात्र से कुछ भिन्न नहीं। स्वप्न में जो क्रम और जो वस्तु है सब मिथ्या ही तो है, वैसे ही ये संसार है। सर्वशक्त जो सर्वात्मा है उसमें जो ब्रह्म मात्र शक्ति है उससे ये संसार माया उद्भूत है जो सत्य नहीं है। वस्तुतः केवल ज्ञान स्वरूप एक आत्म सत्ता ही स्थित है। जैसे सूर्य प्रकाशता है तो उसका ना किसी से विरोध है ना किसी से स्नेह है, वैसे ही वह सर्वरूप सर्वत्र सबका ईश्वर है। उस सत्ता का अभास संवेदन स्फूर्ति है, तो उससे नाना रूप संसार भासता है और भिन्न भिन्न रूप निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं, वैसे ही देहधारी जैसी वासना करता है उसके अनुसार संसार में उत्पन्न होकर विचरता और चक्र की भांति भ्रमता है। स्वर्ग में स्थित जीव नरक में जाते हैं और नरक में स्थित जीव स्वर्ग में चले जाते हैं। योनि से योनियंत्र और द्वीप से दीपांतर को पहुंचते हैं। अज्ञान से धैर्यवान कृपणता को प्राप्त होता है और कृपण धैर्य को प्राप्त होता है। इसी प्रकार भूत उद्भव और नाश पाते हैं और अज्ञान से अनेक भ्रमों में पड़ते हैं, पर आत्म सत्ता एक रूप स्थित स्थिर स्वच्छ और अपने आप में अचल है, उसमें दुख भ्रम कोई नहीं। जैसे अग्नि में हिम का कण नहीं पाया जाता, वैसे ही जो आत्म सत्ता में स्थित है उसको क्लेश लवलेश नहीं होता। उसका हृदय जो शीतल रहता है वह आत्म सत्ता ही मानता है। संसार की यही दशा है कि जो महत ऐश्वर्य संपन्न थे वे कुछ ही दिनों में नष्ट होते देखते हैं। तुम और मैं आदि भावना आत्मा में मिथ्या भ्रम जनित है। जैसे आकाश में दूसरा शशि भासता है, वैसे ही ये बांधव है, ये अन्य है, ये मैं हूं, ऐसी मिथ्या दृष्टि तुम्हारी तो अब नष्ट हो गई है। संसार की जो विचार दृष्टि है जिससे जीव नष्ट होते हैं उसे मूलतः काट कर तुम संसारिक क्रिया करो। जैसे ज्ञानवान जीवन मुक्त संसार में विचरते हैं, वैसे ही विचरो, भार वाहक की भांति भ्रम में ना पड़ना। जहां नाश करने वाली वासना उठे वहां ये विचार करो कि ये पदार्थ मिथ्या है, तब वह वासना शांत हो जाएगी। ये बंध है, ये मोक्ष है, ये पदार्थ नित्य हैं, ऐसी भावना कुछ शूद्र चित्त में उठती है, उदार चित्त में नहीं। उदार चित्त जो प्रबुद्ध पुरुष हैं उनके आचरण के विचार से देह दृष्टि नष्ट हो जाएगी।
ऐसे विचारों कि जहां मैं नहीं वहां कोई पदार्थ नहीं, तो ऐसा पदार्थ तो कोई नहीं जो मेरा नहीं। इस विचार से तुम्हारी देह दृष्टि नष्ट हो जाएगी। ऐसे ज्ञानवान पुरुष संसार के किसी पदार्थ से उद्विग्न नहीं होते और किसी पदार्थ के अभाव से विकल्प भी नहीं होते। वे चिद आकाश रूप सबको सत्य स्थित रूप देखते हैं, आकाशवत आत्मा को व्यापक देखते हैं और भाई बांधव भूत जात को असत्य रूप समझते हैं। अनेक जन्मों में भ्रम से नाना प्रकार के जाने कितने बांधव हो गए हैं। वास्तव में त्रिलोक और बांधवों में भी बांधव यही है। सो लेट्स स्टॉप इट हियर। नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद जगत और उसके संबंधों की असत्यता का प्रतिपादन। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच।